गोड़ा तनि हेरा से अभिनंदन भर बोलो कि अपना कार्यक्रम जनक नाम है खूटा ठोक के। बिहार में राजनीति के जो एक नया धारा उत्पन्न हो गई बा ओकरा में ई रुआ पूरा मजबूती से ना कह सकिले कि आवे वाला चुनाव में के केकरा संग रही और केकर का स्ट्रेटजी बनता। अभी हालांकि चुनाव में बहुत देरी बा लेकिन जौना तरीका के रणनीति और राजनीति शुरू हो गई बा ओकरा से साफ नजर आ रहा बा कि अब आवे वाला 2020 के चुनाव सबके खातिर प्रतिष्ठा के प्रश्न हो गई बा। और एक प्रतिष्ठा के प्रश्न में अगर कहल जा लगातार जौन कि हमने के भी कह रहा है भारत लाइव भी सामने ये बात कह रहा बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना के चाहे जितना भी बड़ा कह लेवे लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के औकात नीतीश कुमार के पीछे पीछे चले वाला बा। लेकिन ये चीज से निकले के जैसे कि भीतर खाना से हमने के खबर मिल रहा बा सूत्र बता रहे बड़े भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दिले बा। एक पीछे बहुत सारा कारण बा। कारण ही बा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार में डोमिनेट करता है और उनका डोमिनेट कैला से भारतीय जनता पार्टी के भीतर में कई तरह के सवाल और जवाब चल रहा बा मंथन चल रहा बा। वो मंथन में कहीं ना कहीं अंदर अंदर भीतर ही भीतर कार्यकर्ता लोग में टूटन महसूस होता। वो टूटन एक कारण से बा कि समय समय पर पार्टी के निर्णय कुछ और होता केंद्रीय नेतृत्व कुछ और कहता और बिहार में आकर के वो नेतृत्व के बाद बदल जाता और नीतीश कुमार अपन नीति अपना लेता हूँ अपना तरीका से सब कुछ करता हूँ जोना के लेकर के कहीं ना कहीं अब एक संशय के स्थिति आ गई बा। और उस संशय के स्थिति में एक बात तो तय मानल जा सकेला कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बड़े जो हार्डकोर नेता भी कहल जाले वो सब लोग के चिंता के कारण बन गए बोला। एकरा पर गंभीरता से विचार पार्टी के अंदर में शुरू भइल और गंभीरता से विचार के बाद पार्टी अब एक यह रास्ता पर भी सोचे लागल बा कि का वो आगे अगर नीतीश कुमार या फिर और लोगों के साथ नीतीश कुमार के अलावे अपन स्ट्रेटजी बनावता तो बिहार में वो सर्वाइव करी कि ना करी। वह समझ सकीले कि जब तक ले चुनाव में खास करके राजनीतिक दल के यह बात के भरोसा ना हो जाए कि उनका जीत के प्रतिशत अधिक बा तब तक लोग कोई समझौता करे खातिर तैयार ना हो। महागठबंधन के जो स्थिति बात नरुआ नजर आ रहा बा महागठबंधन में अगर आपस में एक दूसरा दल अपन अपन चिंता व्यक्त करता रहे या फिर बैठक करता रहे या कोई कहता कि हम अलग भी जा सकीले अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बनल तो वह समझ सकते नहीं पीछे कारण यह बढ़ुए कि चुनाव में उनका का चाहिए तो निश्चित रूप से उनका एक सिक्योरिटी चाहिए कि उनका कितना सीट मिल रहा बा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के कारण भी है बा। हालांकि रुआ यह बात के समझ सकीले कि एनडीए में भी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। एनडीए का स्वरूप जोन पहले रहा है जनक लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी राजनाथ सिंह के जोन समय रहा है ओकरा में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनत रहा सब दल के बैठक होत रहा और एक आइडियोलॉजी बनत रहा अपन अपन विचार सब कोई रखत रहा। लेकिन ना एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बा जे भारतीय जनता पार्टी कह दलस वो केंद्र में फैसला हुई और जे राज्य में अलग अलग दल वाले वो फैसला करिए वह फैसला मान्य हो जाता रहा। अब लगभग वही स्थिति में महागठबंधन भी आ गई बा। महागठबंधन के जो वर्तमान स्थिति बा ओकरा पर बड़ी बारीक नजर रख रहा बा भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभी तक यह बात के कोनो खुलासा नहीं भइल लेकिन एक बात जरूर बा कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह करके एक नया चर्चा छेड़ दिले बा कि जे भी माइंड लाइक माइंडेड दल माने जेकर विचार मिलता था जे भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से सहमत बा पुरान साथी बा वो आ सकले हमने के स्वागत करे खातिर तैयार बन जा लेकिन अगला साथी के छोड़ के आवे के पड़ी। ठीक यह बात एनडीए में भी चल रहा बा। एनडीए में भी वर्तमान जो स्थिति बा वो स्थिति के लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपन रणनीति नीतीश कुमार के साथ तो बना ही रहा बा। बात तो तय हो गई बा कि हाँ नीतीश कुमार ही अगुआ बन लेकिन ये बात तो तय महाराष्ट्र में भी भई रहे लेकिन महाराष्ट्र में का भई रुआ खुद देखत नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी यह बात के लेकर के पूरी तरह से अपना के तैयार कर रहा बा कि अगर स्थिति कुछ अलग होता तो वो अपना के कैसे तैयार करी और यह तैयारी में कहल जा रहा बा कि बहुत सारा लोग चर्चा में बा।
रणनीति के नया जो तरीका चल रहा बा वो तरीका पर भी मंथन भारतीय जनता पार्टी के अंदर में शुरू हो गई बा। हालांकि मंथन तो रुक पता बा कि कहीं ना कहीं आरजेडी भी कर रहा बा, जौन सीधे तौर पे एक धड़ा तो जरूर बा कि जौन बिहार में मुख्यमंत्री के अपन दावेदारी मजबूत रख ले बा। आवे वाला चुनाव में ई रुआ मान के चली कि चाहे कोई मुख्यमंत्री के दावेदारी रहे या न रहे, तेजस्वी यादव के दावेदारी पक्का बा, वो मुख्यमंत्री के एगो उम्मीदवार के रूप में चुनाव जरूर लड़ी है। दूसर का तरफ नीतीश कुमार ए स्थिति में बयान कि वो मुख्यमंत्री के दावेदारी छोड़ ना सकेले, और ऐसा स्थिति में जो एक संभावना बनत रहे कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के साथे साथे कोई समझौता पुनः हो सकेला, तो एकरा पर पूरी तरह से विराम रुआ लगा दी। ई बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रहल बा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी के दावेदारी ना छोड़ सकेले, चाहे जो परिस्थिति जौन होके। वही अगर नीतीश कुमार के बात कही जाओ तो तेजस्वी यादव के वो अपन मुख्यमंत्री मान ना सकेले, ऐसे दोनों एक साथ ना आ सकेले, तो अब संभावना का बा। तो बाकी के संभावना जो भी बा वो संभावना पर भारतीय जनता पार्टी विचार शुरू कर देले बा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा राज्य में हारल, हालांकि जीत के प्रयास करता अलग अलग तरीका से। देखते बानी कि कहाँ काकाक भइल, मध्य प्रदेश में का हो रहा बा, और भी राज्य में का हो रहा बा, वह देख ही रहा बानी सब कुछ। लेकिन खैर उस पर चर्चा नहीं के, चर्चा बिहार से जुड़ल बा। तो बिहार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उ रास्ता खोज रहा बा कि जो रास्ता से उस सत्ता के सीढ़ी तक पुनः 2020 में वापसी करे। ओकरा में अगर नीतीश कुमार माइनस कर दिया जाता तो का हुई। नीतीश कुमार माइनस कैला के बाद एक चीज तो पक्का बा कि तीन लोग ओमें वापसी कर सकेला। आरएलएसपी वापसी कर सकेला अगर नीतीश कुमार एनडीए में से हट जास। वापसी खातिर बेचैनी में नजर आ रहा बा कि जो तरह के बयान दे रहा बा जीतन राम मांझी, वो भी हो सकेले। और मुकेश सहनी के भी संभावना व्यक्त कर जा रहा बा कि वो पुनः वापस आ सकेले एनडीए में। और एकरा से दो चीज सधा जाई। पहला तो ये सधा जाई कि ए लोग के जो डिमांड बा वो पूरा करे में कोई तरह के दिक्कत ना महसूस हुई भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी अपना स्वेच्छानुसार सीट पर चुनाव भी लड़ सकेला। भारतीय जनता पार्टी के अब के लिए चुनाव में 150 के आसपास सीट पर लड़े के भीतर खाना में चर्चा चल रहा बा, और ये तब संभव बा जब नीतीश कुमार साथे ना होकस। चुनाव के बाद भी एक बात सामने आ रहा बा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वह अनुरूप सीट ना आई नीतीश कुमार के साथ रह करके, तो नीतीश कुमार कोई से भी समझौता कर सकेले सत्ता में बनल रहे खातिर। वैसन स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उल्ला हो जाई। ये सब बात पर गौर कैल के बाद जो नया चर्चा सामने आई बा, चर्चा ये बा कि एक नया समीकरण बन रहा बा। वो समीकरण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के माइनस करके अगर भारतीय जनता पार्टी चले के तैयार होता तो उनका साथे कई गो ऐसा धड़ा वाले जो जुड़ सकेले। अब एकरा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार खातिर कितना बड़ा टक्कर हुई और के दावेदारी प्रस्तुत करी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, ये एगो प्रश्न अभी खड़ा बा। एकरा में कई गो नाम भी सामने आ रहा बा, उ नाम के भी खुलासा हम रुवा लोग से जरूर करब। जैसे ही ओकरा पर जैसे ही पुख्ता हमने के जानकारी आ जाता वैसे ही रुवा लोग के सामने नाम भी खुलासा कर जाए। लेकिन जौना तरीका से लगातार अपन स्ट्रेटजी बदल रहा बा तेजस्वी यादव, ओकरा से भारतीय जनता पार्टी के चिंता जरूर बढ़ गई बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता से बेदखल मत हो जाओ बिहार में। और ये चिंता ओकरा के कहीं ना कहीं एक नया समीकरण गढ़े खातिर तैयार कर रहा बा। और इस समीकरण कितना ताकतवर बा, इस संभावना बा कि बहुत जल्दी रुवालों के सामने भी आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाना में मंथन के दौर जारी बा, चाहे वो बिहार के नेता होकस चाहे बिहार से बाहर केंद्रीय नेता होकस। लेकिन मंथन के दौर जबरदस्त ढंग से चल रहा बा, और एकरा में निश्चित रूप से अगर ये सत्य बा, सही बा, और एकरा पर अड़ जाता भारतीय जनता पार्टी, यह पूरा नियम नीति और निर्धारण के अपना आइडियोलॉजी में शामिल कर लेता, तो कहीं ना कहीं एक खेमा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हुई। और तीसरा मोर्चा के जो हुआ बात करते नहीं है, वो तीसरा मोर्चा हो सकेला कि नीतीश कुमार के साथ ही बने। लेकिन लड़ाई अभी भी जो सीधे सीधे बा वो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव ही बा, और एकरा खातिर दोनों के दोनों अपन अपन रणनीति मजबूत करे में लागल बा। एगो तो रुआ देखे कहीं कि प्रयास 1 तारीख के 1 मार्च के नीतीश कुमार के पार्टी जरूर कैलस, हालांकि ओमें कहल जा रहा बा कि असफल रहले। लेकिन एक बात तो पक्का बा कि असफलता से आदमी सीखेला, और शायद नीतीश कुमार वो असफलता से सीख करके
आगे की रणनीति और मजबूत बनावस, और अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग भी उनका होके के पड़े तो ओकरा खातिर वो अपना के तैयार रखस। ये मजबूती में के कितना सहयोग करी और केकर कितना दावेदारी हुई ये तो वक्त बताई चुनाव में। लेकिन अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार खातिर चिंताजनक बात जरूर हो जाई, और दूसरे तरफ चिंता तेजस्वी यादव को भी बढ़ जाई कि उनकर अब एक ना दो लोग से निपटे के हुई, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बा और दूसरा तरफ नीतीश कुमार बा। हालांकि जौन सामने सामने अटैकिंग मूड हो गया बा, वो अटैकिंग मूड में ये बात पता चल रहा बा कि नीतीश कुमार के छोड़ करके RJD भारतीय जनता पार्टी के हमला करता, और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार और अन्य लोग के छोड़ करके सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला करते रहे। बिहार के चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी बा। लगातार हमनी के भीतर खाना से निकाल निकाल कर वो लोग के खबर बता रहल बन जा, और जौन हमनी के जैसे पता चलता वैसे वो लोग के सामने परोस भी रहल बन जा। खुटा ठोक में आज एजे विराम देता नहीं, कल फिर मुलाकात हुई। लेकिन एक बात जरूर वालों से कहब कि अगर भारत लाइव के अब तक सब्सक्राइब नहीं की सबे कैले तो जरूर कर ली सबे, कारण कि नीमन और बढ़िया खबर जौन रउआ से सीधे सरोकार रखेला यही चैनल पर देखावल जाला। अगर सब्सक्राइब नहीं कैले केहू तो बगल वाला घंटी जन लाल नजर आवता लिखल सब्सक्राइब ओकरा के अंगुरी रखला पर फिर एगो ऑप्शन आई जना में घंटी के चिन्ह आ जाई, और घंटिया दबाई तो ऑल पर क्लिक कर दे तो सब खबर जितना भी बा वो सब रुला के मुफ्त में सेतिया में फ्री में प्राप्त हो जाई। फिर कल भेंट हुई, गोड़ लगा दे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।